हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आप लोगों को पैराग्राफ ट्रांजिशन बताने चल रहा हूँ। इसे समझिए कि पैराग्राफ ट्रांजिशन को कैसे किया जाता है। यह बहुत ही आवश्यक है, यह 12th के बोर्ड परीक्षाओं में 10 मार्क्स का आता है, इसलिए इसकी लगातार प्रैक्टिस बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए, देखते हैं। जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। देखिए, ये प्रेजेंट टेंस में है। जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है, तो बन जाएगा हार्ड वर्क हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लाइफ। ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन लाइफ। देखिए, जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। हार्ड वर्क हैज ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन लाइफ, यह सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। यह सार्वभौमिक सत्य है, दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ। दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ, यह सार्वभौमिक सत्य है कि दैट कि परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिल सकती, यह प्रेजेंट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, तो बन जाएगा दैट देयर कैन बी नो सक्सेस, नो सक्सेस विदाउट परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिल सकती, तो बन जाएगा दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ दैट देयर कैन बी नो सक्सेस विदाउट हार्ड वर्क बन गया। परिश्रम के बल पर मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है, यह भी प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। देखिए, परिश्रम के बल पर मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है, यहाँ से हम अनुवाद बनाएंगे। बनाइए, मनुष्य मैन कैन मेक The impossible possible। देखिए, परिश्रम के बल पर मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। Man can make the impossible possible by the dint of his हार्ड वर्क, बाई द डिंट ऑफ हिज हार्ड वर्क। देखिए, डिंट
डिंट का सेंस यहाँ है मेहनत, परिश्रम, प्रयत्न, अटेम्प्ट होगा, डिंट मीन्स अटेम्प्ट। चलिए, परिश्रम के बल पर मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। चलिए, पाषाण युग से वर्तमान युग तक मनुष्य परिश्रम से ही पहुंचा है। देखिए, मनुष्य परिश्रम से ही पहुंचा है, यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो बनाइए, मैन हैज रिच्ड, मैन हैज रिच्ड द मॉडर्न एज, मॉडर्न एज, मॉडर्न एज राम द स्टोन, फ्रॉम द स्टोन एज। देखिए, परिश्रम के बल पर मनुष्य असंभव को संभव कर सकता है। पाषाण युग से वर्तमान युग तक मनुष्य परिश्रम से ही पहुंचा है। ठीक है, तो मैन हैज रिच्ड द मॉडर्न एज फ्रॉम द स्टोन एज ओनली थ्रू हार्ड वर्क। ओनली थ्रू हार्ड वर्क। चलिए, यह बन गया आपका। द मैन हैज रिच्ड द मॉडर्न एज फ्रॉम द स्टोन एज ओनली थ्रू हार्ड वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक दृष्टि से नितांत निर्धन होने पर भी अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो आज परिश्रम के बल पर ही उन्नति के शिखर पर हैं। ठीक है, सेंटेंसेस बड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं, आप इन्हें पढ़िए, पढ़ करके एक सेंस निकालिए और अपने अनुसार उसका अनुवाद करने का प्रयास करिए। प्राकृतिक दृष्टि से नितांत निर्धन होने के बावजूद भी, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली पुअर, देखिए, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली पुअर, देखिए, प्राकृतिक दृष्टि से नितांत निर्धन, प्राकृतिक दृष्टि से नितांत निर्धन होने पर भी अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो परिश्रम के बल पर ही उन्नति के शिखर पर हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली पुअर। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल वेल्थ, प्राकृतिक दृष्टि से नितांत निर्धन होने पर भी अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो आज परिश्रम के बल पर ही उन्नति के शिखर पर हैं। तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली पुअर इन टर्म्स ऑफ नेचुरल वेल्थ, ठीक है, देयर आर मेनी कंट्रीज, देयर आर मेनी कंट्रीज दैट आर एट
दैट आर एट हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी. हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी हाइट ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन स्पाइट ऑफ बीइंग एब्सोल्युटली पुअर इन टर्म ऑफ नेचुरल वेल्थ देयर आर मेनी कंट्रीज दैट आर एट हाइट ऑफ प्रॉस्पर्टी थ्रू सीयर हार्ड वर्क थ्रू सीयर हार्ड वर्क. तो इस सब देखा प्राकृतिक दृष्टि से नितांत अंधन होने पर भी अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो आज परिश्रम के बल पर ही उन्नति के शिखर पर हैं. वास्तव में परिश्रम एक प्रकार का व्यायाम भी है. ठीक है, वास्तव में परिश्रम एक प्रकार का व्यायाम भी है. तो बनाइए इनफैक्ट वास्तव में परिश्रम हार्ड लेबर परिश्रम एक प्रकार का व्यायाम भी है. हार्ड वर्क इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज. इनफैक्ट हार्ड वर्क इज अ हार्ड वर्क इज अ एक्सरसाइज. हार्ड वर्क इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज. देखिए वास्तव में इनफैक्ट परिश्रम एक प्रकार का व्यायाम भी है. हार्ड वर्क परिश्रम इज अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. शारीरिक परिश्रम से शरीर के सारे अवयव संचालित होते हैं. ठीक है, फिजिकल लेबर्स शारीरिक परिश्रम फिजिकल लेबर्स देखिए शारीरिक परिश्रम से शरीर के सारे अवयव संचालित होते हैं. तो आपने बनाया फिजिकल लेबर डेवलप्स द माइंड. मेंटल लेबर डेवलप्स द माइंड एंड इंक्रीजेज नॉलेज. फिजिकल शारीरिक परिश्रम से शरीर के सारे अवयव संचालित होते हैं. फिजिकल लेबर मैनेज ऑल एलिमेंट्स. फिजिकल लेबर मैनेजेस फिजिकल लेबर मैनेजेज ऑल द एलिमेंट्स. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, इनफैक्ट
हार्ड वर्क इज ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज, फिजिकल लेबर मैनेजेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी। चलिए, मानसिक श्रम से बुद्धि का विकास व ज्ञान का लाभ होता है। मानसिक श्रम से मेंटल लेबर डेवलप्स, मेंटल लेबर डेवलप्स द माइंड, डेवलप्स द माइंड। डेवलप्स द माइंड, ठीक है। शारीरिक परिश्रम, शरीर के सारे अवयव संचालित होते हैं। शारीरिक परिश्रम से शरीर के सारे अवयव संचालित होते हैं। मानसिक श्रम से बुद्धि का विकास व ज्ञान का लाभ होता है। तो देखिए, मेंटल डेवलप्स इंक्रीजेस नॉलेज, मेंटल लेबर डेवलप्स द माइंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारीरिक परिश्रम से शरीर के सारे अवयव संचालित होते हैं। मानसिक श्रम से बुद्धि का विकास व ज्ञान का लाभ होता है। मानसिक श्रम से मेंटल लेबर डेवलप्स द माइंड एंड इंक्रीजेस नॉलेज, मेंटल लेबर डेवलप्स द माइंड एंड इंक्रीजेस द नॉलेज। मानसिक श्रम से या मेंटल लेबर बुद्धि का विकास व ज्ञान का लाभ होता है। मानसिक श्रम से मेंटल लेबर डेवलप्स द माइंड एंड इंक्रीजेस द नॉलेज, ठीक है। मानसिक श्रम से जी चुराने वाला व्यक्ति का ज्ञान सीमित रह जाता है। जी चुराना शर्क, जी चुराना की अंग्रेजी होती है शर्क। तो देखिए, मानसिक श्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति का ज्ञान सीमित रह जाता है। तो देखिए, द नॉलेज ऑफ मैन द नॉलेज ऑफ मैन हु द नॉलेज ऑफ मैन हु सक्स द मेंटल लेबर हु सक्स द मेंटल लेबर हु सक्स द मेंटल लेबर रिमेन्स लिमिटेड, ठीक है। ज्ञान सीमित रह जाता है, ठीक है, रिमेन्स लिमिटेड। द नॉलेज ऑफ मैन हु सक्स द मेंटल लेबर रिमेन्स लिमिटेड। रिमेन्स लिमिटेड, मानसिक श्रम से जी चुराने वाला व्यक्ति का ज्ञान सीमित रह जाता है। द नॉलेज ऑफ मैन हु सक्स द मेंटल लेबर रिमेन्स लिमिटेड, सही रह जाता है। वह शारीरिक श्रम ना करने वाले को वह शारीरिक श्रम न करने वाले को
वह शारीरिक श्रम न करने वाले व्यक्ति को अनेकों रोग घेर लेते हैं, ठीक है। एंड द मैन हु अवॉइड्स फिजिकल लेबर सारी श्रम न करने वाले व्यक्ति को अनेकों रोग घेर लेते हैं। एंड द मैन हु अवॉइड्स फिजिकल लेबर afflicted with numerous diseases and the man who avoids physical labor afflicted with numerous diseases, ठीक है। वह व्यक्ति या शारीरिक श्रम न करने वाले व्यक्ति को अनेकों रोग घेर लेते हैं, या वह व्यक्ति जो शारीरिक श्रम नहीं करता है बहुत से रोगों से वह घिर जाता है, यह सेंस है। तो इस तरह से आपने पैराग्राफ ट्रांसन देखा। इस तरह से आप यदि लगातार कोशिश करते रहेंगे, लगातार बनाते रहेंगे, तो बड़ी ही आसानी से बन जाएगा और रियली इससे आपका मेंटल पावर बड़ी अच्छी तरह से ग्रो करेगा। ओके।